दोस्तों आज की रेसिपी है रजवाड़ो वाली। इसे राजा महाराजा ही खाया करते थे इसी ज़माने के अंदर, और इसका नाम भी है शाही टुकड़ा। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लजीज रेसिपी है। आज मैं आपको यही बनाना सिखाऊंगा। इतनी स्वादिष्ट है कि आप खाएंगे, खाने से पहले पहले जब आप बनाएंगे ना, तब तक ही आपके मुँह में पानी आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये पक्की बात है, शाही टुकड़ा जब आप खाएंगे तो ये देख लीजिए, ये है रबड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शाही टुकड़ा बनाने के लिए मैंने 5 ब्रेड लिए, उनकी पूरी स्लाइसेस काट ली हैं, दो दो पीस कर ली हैं। आप चाहें तो इनको, जैसे मैंने इस तरह से आधी आधी काटी है, आप चाहें तो 4 पीस में भी कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें वैसे कर सकते हैं। तो बस ये स्लाइस मैंने काट ली हैं। इसके बाद स्टेप शुरू करते हैं। देसी घी लेना है हमें, क्योंकि शाही चीज़ है, रिच रेसिपी है, तो बस उसी हिसाब से देसी घी हमें लेना है एक पैन के अंदर। और इसे करते हैं हम गर्म, क्योंकि गर्म करना है। तो बस टेम्परेचर इसका थोड़ा सा हाई करना है, एक बार थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे कर देंगे हम। और ये हमारे ब्रेड के टुकड़े इसे अंदर डाल देंगे, और इसे हमें गोल्डन होने तक, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होते तब तक हमें पकाना है। बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है दोस्तों, वीडियो स्किप मत करिएगा। तो गोल्डन ब्राउन ये देखिए हो गए टोस्ट की तरह, बस टोस्ट नहीं लेना है, ब्रेड से ही बनाना है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो बस इसे हम निकाल लेते हैं, एक्स्ट्रा घी जो है उसे हम जैसे भी झाड़ के निकालते हैं वैसे निकाल लेते हैं, और बस इसे रख देते हैं हम साइड में। नेक्स्ट प्रोसेस में हम चलते हैं, चाशनी बनानी है हमें। जी हाँ बिल्कुल, चाशनी बनानी है। तो एक कप मैंने शुगर ली है इसके अंदर, और शुगर जितना भी आप माप से लें, आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 1.5 कप भी कर सकते हैं। तो मैंने 1 कप शुगर और 1 कप पानी लिया है, और चाशनी को हमें बॉयल करना है। इसे मिक्स करके अच्छी तरह से बॉयल करने, बॉयल आने दीजिए, फिर मैं बताता हूँ चाशनी को किस हिसाब से बनानी है। तो बॉयल आ चुका है, इसमें हम डालेंगे थोड़े केसर के धागे, क्योंकि इससे खुशबू और फ्लेवर और कलर सब चीज़ आएगी। तो बस इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, आप चाहें तो इलायची पाउडर नहीं हो तो साबुत इलायची भी डाल सकते हैं। और इसे हमें 3 से 4 मिनट तक पकाना है। इसकी कंसिस्टेंसी जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी वीडियो के अंदर, शहद की तरह होनी चाहिए, कि शहद की तरह जिस तरह से चिपचिपापन होता है, एक तार दो तार हमें नहीं बनाना है इसके अंदर। तो ये देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हमें चेक करनी है, कि भाई शहद की तरह थोड़ा सा चिपचिपा हो जाए, बस यहीं पर फ्लेम करनी है बंद, और इसे थोड़ा सा ठंडा होने रखना है नॉर्मल वे पे, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। और इसके अंदर हम डालते हैं हमारे ब्रेड के टुकड़े चाशनी के अंदर, इसे इस तरह से हम अच्छी तरह से डुबो लेंगे। ये देखिए आप, मैं दिखा रहा हूँ आपको इस तरह से आपको करना है, और एक एक पीस को डाल के, और इस तरह से हम वापस इसे निकाल लेंगे, और एक किसी भी ट्रे या प्लेट में हम निकाल लेंगे। उसके बाद का प्रोसेस है कि एक ट्रे लेंगे इस तरह की, कोई भी ट्रे हो आपके पास, किसी भी तरह का बर्तन हो आप उस तरह से ले सकते हैं, और इसे इसके अंदर हमें ये शाही टुकड़े, अब तो शाही टुकड़े हो गए हैं, इसे ब्रेड नहीं बोलेंगे हम, शाही टुकड़ा ही बोलेंगे। तो बस इसे आप इस तरह से जमा दीजिए अच्छी तरह से, और इसके बाद इसके ऊपर जो बची हुई चाशनी है वो सारी इसके अंदर डालनी है। उसका भी रीज़न है, क्योंकि अंदर मिठास रहनी चाहिए, ऊपर हमें दूध भी डालना है, तो वो फीका रहेगा तो सारा मिठास इसके अंदर आ जाएगा और ये डूब जाएगी। थोड़े से हम इसमें डालते हैं बारीक कटे हुए काजू, ड्राई फ्रूट्स आप कुछ भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो ले सकते हैं, इसमें कोई भी ऑप्शनल ये नहीं कि भाई यही चीज़ लेनी है। अब ये एक स्टेप हम दूसरा चालू करते हैं। इसके अंदर मैंने लिया है 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, ये स्टेप इसलिए कर रहे हैं हम, और एक कप मैंने लिया है इसमें मिल्क पाउडर, ये स्टेप इसलिए कर रहे हैं कि हमें आगे जाके हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बहुत इजीली हमारी हर चीज़ बन जाएगी। कॉर्नफ्लावर के अंदर मैंने थोड़ा पानी डाल के इसका घोल बना लिया है, और इसे मिक्स करके अच्छी तरह से इसका एक घोल बना लें, और इसी तरह से हम लोग इसको हटा देते हैं, और मिल्क पाउडर का भी इसी तरह से हम घोल बनाएंगे। तो मिल्क पाउडर मैंने डाल दिया, 1 कप मिल्क पाउडर लिया है, और इसमें भी हम पानी डाल के इसका भी एक अच्छा सा स्मूथ घोल बना दें, जिसमें लम्स नहीं हो, इसमें गांठें ना पड़े, लम्स नहीं हो, स्मूथ प्लेन घोल बनाना है। तो दोनों का मैंने घोल बना के रख लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। 1 लीटर मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, फुल क्रीम जितना लेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि शाही रेसिपी है भाई, तो शाही अंदाज में ही खाने पसंद करेंगे। तो बस दूध में उबाल आ चुका है, ये देखिए आप। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें लेना है केसर के धागे और थोड़ा सा दूध इसके अंदर डाल देते हैं, गार्निश में काम आएगी और बहुत लजीज स्वाद भी आएगा। बस इसके बाद हम डालते हैं हमारा ये जो बैटर हमने बनाया था मिल्क पाउडर का,
इसीलिए वो बैटर बनाया गया था कि हमें मेहनत नहीं करनी पड़े, गर्म दूध में डालेंगे तो लम्स बन जाते, इसलिए वो बैटर बनाया गया था। तो बस इस दूध को हमें 2 से 3 मिनट या 4 मिनट तक पकाना है, थोड़ा गाढ़ापन आना चाहिए, मिल्क पाउडर के कच्चेपन की स्मेल भी हट जाएगी। तो बस इसी तरह से हमें 2-3 मिनट 4 मिनट इसे पका लेंगे। देखिए थोड़ा गाढ़ा होने लग गया है। बस अब क्या करेंगे हम, अब हम डालेंगे इसके अंदर हमारा कॉर्नफ्लावर का जो हमने पेस्ट बना के या पानी में डाल के जो भिगो के रखा था, लेकिन एक साथ नहीं डालना है दोस्तों, ये थोड़ा थोड़ा करके डालना है। दूध को हमें गाढ़ा करना है रबड़ी की तरह, तो अगर एक साथ डाल देंगे तो आपको आइडिया नहीं रहेगा कि कितना गाढ़ा हो गया कितना नहीं हुआ। तो इस तरह इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मिक्स करना है और इसे हमें चलाना है 3-4 मिनट तक। ये देखिए आप, मैंने 3-4 मिनट तक इसे चलाया है, तो ये देखिए धीरे धीरे इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होती जा रही है। बस इसी तरह से गाढ़ा करना है हमें। बस ये गाढ़ा हो चुका है, इसे हमें स्लो फ्लेम के अंदर 2 से 3 मिनट और पकाना है कि और गाढ़ा हो जाए, और उसके बाद इसे हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो बस दोस्तों ये ठंडा मैंने कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल रबड़ी की तरह होगी। इसी तरह की कंसिस्टेंसी आपको लेनी है इस शाही टुकड़े के लिए, क्योंकि यहीं से फ्लेवर आएगा। अगर रबड़ी का स्वाद नहीं आया तो बस फिर मज़ा नहीं आएगा। तो बस इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। शाही टुकड़े के ऊपर हमें डालना है ये हमारा सारा मिल्क वाली जो रबड़ी है। देखिए जैसे जैसे ये बन रही है वैसे वैसे स्वाद भी आना आपके मुंह में चालू हो जाएगा, देख लीजिएगा आप, और इतनी सुंदर बनेगी। और ये केसर का दूध जो हमने उस टाइम बना के रखा था, ये हमें ऊपर इसके ऊपर डालना है। इससे हमारा कलर भी अच्छा आएगा, दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगी और स्वाद तो आएगा ही आएगा। तो इस तरह से हम सारा हमारा केसर का दूध जो है वो इस पर डाल देते हैं। केसर के दाने भी हम इसके ऊपर आ जाएंगे, धागे सॉरी जो हैं वो भी आ जाएंगे। तो बस इसके ऊपर हम डालते हैं थोड़ी सी बारीक कटी हुई बादाम की कतरन, जो भी आप लेना चाहें ड्राई फ्रूट्स के अंदर वो ले सकते हैं, लेकिन हाँ पिस्ते ज़रूर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इतनी मेहनत से हम रेसिपी बनाते हैं, उसको सुंदर भी दिखनी चाहिए, और दो शब्द अगर कोई कह दे तारीफ के तो बस हमारी सारी मेहनत सफल हो जाती है। तो बस इस तरह से हम इसको गार्निश कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देंगे, कम से कम 10 से 15 मिनट। अब इसके बाद हम इसका पीस काट के देखते हैं भाई कैसा है। तो बस आप देखिए, मैं ये पीस काटता हूँ, आपको दिखाता हूँ, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लजीज और बहुत ही शानदार बनती है ये रेसिपी। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। नाम ही इसका आपको मैंने बता दिया, शाही टुकड़ा। तो ये देखिए आप, लग रही है ना बिल्कुल शाही टुकड़ा, इसे बोलते हैं शाही टुकड़ा। तो दोस्तों इसे एक प्लेट में निकालते हैं और अब करते हैं इसको खाने की तैयारी। तो मैं तो नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि मैं खा लूँगा बाद में, पहले आप लोग खाइए। कैसी लगी मेरी रेसिपी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा नई नई रेसिपी के साथ। लॉकडाउन जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।